इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो मंदिर है माता चिंतपूर्णी के कुंड आती है भोलेनाथ तो ये बजरंग बली हैं और ये नंदी जी हैं। दोस्तों अब दिखाने ये माता चिंतपूर्णी का मंदिर है। तो ये तो जो तालाब है रण जी ने बनवाया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है। और इधर पानी की बाव, तो इस पानी को जो है माता चिंतपूर्णी स्नान लेकर जाते हैं। माता चिंतपूर्णी स्नान है से किया जाता है। बीच में भोलेनाथ का मंदिर है। तो दोस्तों पहले इसमें नहाते थे, अब पानी इसका सुखा दिया गया है क्योंकि थोड़ा ये 9-10 फीट गहरा था। तो दोस्तों इसको ताल कह, माता चिंतपूर्णी के बिल्कुल सामने नीचे पौड़ी जाती है। और यहीं से ही माता चिंतपूर्णी को स्नान के लिए पानी लेकर जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर माता चिंतपूर्णी के स्नान के लिए कुंड है। ये देख सकते हैं ये जो कुंड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे दोस्तों, आज इस वीडियो में देखोगे आपकी जो माता का स्नान के लिए पानी लिया जाता है वो पानी है ये। तो दोस्तों ये है माता के स्नान का पानी कुंड है, इसको मैं आज आपको लाइव दिखा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। कितना साफ पानी है, इस पानी से माता चिंतपूर्णी का स्नान किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है अब मंदिर का सामने पौड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं ये मंदिर को पौड़ियाँ आ रही हैं, मंदिर के सामने पौड़ियाँ उतरती हैं। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर की पौड़ियाँ हैं और ऊपर जाकर वो एक पत्थर रखा हुआ है जो पत्थर इस कुंड से उठाया गया था। तो अभी आप देख सकते हैं इसको ताल कहते हैं, माता चिंतपूर्णी का ताल है। और साथ में नीचे माता चिंतपूर्णी का पानी है जो नहाने के लिए माता चिंतपूर्णी को लेकर जाते हैं। दोस्तों ये रास्ता जो है ये यहाँ पर साधु जो साधु लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और ये हॉस्पिटल के साथ ही रास्ता है नीचे जाने के लिए। ये सामने जो बिल्डिंग है ये माता चिंतपूर्णी के मंदिर की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। और नीचे नाले के अंदर माता चिंतपूर्णी का जो है नहाने का पानी यहाँ से लेकर जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता चिंतपूर्णी।